Hello students, welcome to my art and craft class. And today you will learn about elements of art. What is elements of art? Elements of art, wo art jo basic art ke liye important thing hai, basic element matlab drawing banane ke liye, art karne ke liye जो बेसिक चीज चाहिए, मटेरियल नहीं. जब पेपर पे ड्राइंग करते हैं, जब कैनवास पे ड्राइंग कर रहे हैं, तब उसमें कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. इसमें डॉट्स, लाइन, स्पेस, फॉर्म, कलर, टेक्सचर, ये एक बेसिक एलिमेंट्स हैं और इसके थ्रू ही हमारा आर्ट जो है वो कंप्लीट होता है. चाहे वो हम ड्राइंग करें तो लाइन से ड्राइंग करते हैं, कलर डाले तो उसमें कलर्स का यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, कूल कलर, वार्म कलर, इस तरह से कई कलर्स का रेंज है. टेक्सचर यूज करते हैं, तो इन सब चीज़ों को यूज करके हम एक आर्ट को कंप्लीट करते हैं अपना. इसमें सबसे जब आर्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कैनवास पे या पेपर पे स्क्रिबलिंग करते हैं, डॉट करते हैं, लाइन करते हैं, वो चाहे पेंसिल से हो, ब्रश से हो या कलर से हो, वो मीडियम है हमारा, उसके थ्रू करते हैं. लेकिन जब स्टार्ट करते हैं तो एक डॉट करके फिर स्क्रिबलिंग करते हैं, फिर स्केच करते हैं, इस तरह से काम को अपना धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको डेवलप करते हैं, अपने वर्क को डेवलप करते हैं. उसमें सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला एलिमेंट है पॉइंट. फर्स्ट एलिमेंट इज पॉइंट. पॉइंट इज ए वेरी सिंपल सिंपलेस्ट एलिमेंट ऑफ आर्ट. वो सब क्योंकि वो डॉट से ही हमारा एक लाइन फॉर्म होता है. उसके बाद लाइन एक एलिमेंट है. लाइन के बारे में भी तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, लाइन के बारे में कंपोजिशन भी कर सको, लाइन के थ्रू कंपोजिशन भी कर चुके हो तुम लोग. लाइन एक हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है. लाइन, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, जिगजैग लाइन, वेवी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, डायगनल लाइन, स्क्रिबलिंग, स्ट्रेट, डॉटेड, डैश्ड, तो इस तरह के कई लाइन हैं और ये लाइन को यूज करके हम एक आर्टवर्क को अपना स्टार्ट करते बनाते हैं. देन हमारा आता है फॉर्म और शेप. शेप क्या है? शेप ट्रायंगुलर शेप, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये शेप है. सपोज एक बॉल, एक सन बना रहे हो तो तुम क्या करते हो, किस शेप में डालते हो उसको? डालते हो तुम एक सर्कुलर शेप में डालते हो. एक पाइन ट्री बना रहे हो तो क्या शेप डालते हो तुम? वहां पे एक कॉनिकल शेप बनाते हो, ट्रायंगल बनाते हो और नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन देते हो, सॉरी वर्टिकल लाइन देते हो. तो इस तरह जो भी फॉर्म है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, उसका एक शेप है, वो एक फॉर्म में है. शेप से ही फॉर्म बना. जब वो उसका थ्री डायमेंशनल जब वो फॉर्म में आ जाता है, उसका लुक करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो वो फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है. एक स्क्वायर स्पेयर हो जाता है, एक स्क्वायर एक क्यूब बन जाता है, एक सर्कल एक स्पेयर हो जाता है, तो इस तरह से वो डेवलप करता है. देन कलर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर. फर्स्ट प्राइमरी कलर, रेड, ब्लू,
एंड येलो इज ए प्राइमरी कलर, रेड स्कारलेट रेड ब्लू अल्ट्रामेरिन ब्लू और येलो लेमन येलो। तो ये जो कलर है ये प्राइमरी कलर है। इन कलर को मिला करके जब हम नेक्स्ट दूसरा कलर बनाते हैं, एक नया कलर बनाते हैं, ऐसे रेड और येलो को मिला करके हम ऑरेंज बना देते हैं, रेड और ब्लू को मिला करके हम वायलेट बना देते हैं, ब्लू और येलो को मिला के ग्रीन बना देते हैं। अब ये जो ग्रीन ऑरेंज और वायलेट कलर जो बना उससे फिर एक नया शेड बना देते हैं। कैसे बनाते हैं उस कलर को? वायलेट बना, सपोज एक वायलेट कलर है तो उसमें हम और हम रेड मिला देंगे, वो एक टर्सरी कलर हो जाता है। उसी वायलेट में हम ब्लू मिला देंगे तो वो टर्सरी कलर हो जाता है। ऑरेंज, ऑरेंज में येलो मिला देंगे तो वो टर्सरी हो जाएगा, ऑरेंज में रेड मिला देंगे तो वो टर्सरी हो जाएगा। तो इस तरह से कलर का रेंज और शेड्स बढ़ते ही जाता है। वो फिर कूल कलर आता है, फिर वार्म कलर आता है, मोनोक्रोम कलर होता है। मोनोक्रोम कलर, एक ही कलर के लाइट शेड से जब हम पूरा काम करते हैं, सिंगल कलर के लाइट शेड से जब हम पूरा काम करते हैं वो मोनोक्रोम है। और पॉलीक्रोम, जब हम उसमें कई कलर्स को मिला के काम करते हैं तो वो पॉलीक्रोम है। देन कूल कलर एंड वार्म कलर। कूल कलर ब्लू कलर के, ब्लू ग्रीन के वेरिएशन में जो कलर बनता है उसको कूल कलर बोलते हैं, रेड येलो के वेरिएशन में जो कलर बनता है उसको वार्म कलर बोलते हैं। जब हम पेंटिंग बनाते हैं, कई बार पेंटिंग जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं कि हम उस पेंटिंग को उस थीम के अकॉर्डिंग हम कलर जब लगाते हैं तो वो कम, मतलब लगता है कि ये कूल कलर का पेंटिंग है बना हुआ, मतलब उसमें ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, उससे रिलेटेड जो है जो कलर्स है वो उस कलर का यूज करते हैं और वो कूल कलर कहलाता है। वाटर बनाते हैं, ग्रास बनाते हैं, फील्ड बनाते हैं, तब हम कूल कलर का यूज करते हैं। लेकिन जब हम सन बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं कई बार, तो हम वार्म कलर का यूज करते हैं। पूरी की पूरी पेंटिंग वार्म कलर से हो सकती है, पूरी की पूरी पेंटिंग कूल कलर से हो सकती है। तो इस तरह से कलर का रेंज बढ़ते ही जाता है हमारा। फिर हम आते हैं टेक्सचर पे। टेक्सचर क्या है? टेक्सचर है जब कोई सरफेस जो है दो तरह का होता है, एक स्मूथ सरफेस होता है और एक टेक्सचर्ड सरफेस होता है। स्मूथ सरफेस जब कोई चिकना ऐसा चीज, जैसे ये पॉट है मेरे सामने, एक पॉट है, इसको हम टच करते हैं तो ये स्मूथ है। और वहीं पे एक मेरे पास ये एक पेपर मेसी का एक बाउल है, यहाँ पे इसको जब हम टच करते हैं तो एक रफनेस है इसमें, ये टेक्सचर है। वैसे ही एक जैकफ्रूट कटहल के बॉडी को जब टच करते हैं तो वो टेक्सचर्ड है। वहीं कोई दूसरा ऐसा कोई वेजिटेबल्स, ब्रिंजल हो या ऐसा कोई भी ऐसा वेजिटेबल जिसको टच करते हैं तो वो स्मूथनेस है उसमें। तो टेक्सचर को क्रिएट करना, पेंटिंग में टेक्सचर हमारा रिक्वायर्ड होता है, टेक्सचर को क्रिएट किया जाता है। कई बार कुछ ऑब्जेक्ट देकर के टेक्सचर को क्रिएट किया जाता है, टेक्सचर के ऊपर
हम अलग से एक क्लास भी लेंगे, वो अलग एक वीडियो हम भेजेंगे टीचर के ऊपर, वो देखोगे और वो काफ़ी मतलब तुम्हारे आर्ट वर्क में एक इम्प्रूवमेंट लाएगा कि हम टेक्सचर को कैसे यूज करें अपने आर्ट वर्क में। तो ये टेक्सचर जो है, टेक्सचर का यूज करके हम पेंटिंग को अपना और एक नया लुक दे सकते हैं। तो ये एलिमेंट जो है, ये कई एलिमेंट्स को मिला करके एक आर्ट वर्क हमारा स्टार्ट होता है, और वो आर्ट वर्क जो है वही एक कंप्लीट आर्ट वर्क कहलाता है। करते सब हम लोग वही हैं, हम लोग डॉट से जब पेपर लेते हैं तो डॉट करते हैं, डॉट करने के बाद लाइन से कुछ फिगर बनाना है। सपोज एक लैंडस्केप बना रहे हो, तुम उसमें माउंटेन दिखा रहे हो, ट्री दिखा रहे हो, तो फिर हम लोग लाइन का यूज करते हैं, डायगनल लाइन, ऐसे लाइन। यहाँ यहाँ हम थोड़ा सा यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। ये डॉट्स और ये लाइन, ये हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, डायगोनल लाइन, जिगजैग लाइन, स्पाइरल लाइन, डॉटेड लाइन, डैश लाइन, ऐसा डैश डैश करके करेंगे, वेवी लाइन, कर्व लाइन। तो ऐसे लाइंस हैं, बहुत सारे लाइंस हैं, और इसी लाइन के थ्रू हम अपने ड्राइंग को इम्प्रूव करते हैं, ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं हम लोग। सपोज अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे आपको कि तुम एक जब लैंडस्केप स्टार्ट करते हो तो क्या करते हो, ये सपोज हम बना रहे हैं एक लैंडस्केप बना रहे हैं और उसमें माउंटेन दिखा रहे हैं, हम कौन सा लाइन यूज किए, यहाँ देखो डायगनल लाइन यूज किए हैं। ये क्या है, ये डायगनल लाइन है। ये क्या हुआ, हॉरिजेंटल लाइन हुआ। फिर यहां पे एक लाइन देते हैं, हॉरिजेंटल लाइन हुआ। यहां पे एक बोट है, यहां पे एक बोट बना रहे हैं, ये भी इस दो पैरेलल लाइन है। फिर एक डायगोनल लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, और ये हम इसमें ये वेवी लाइन, वेव्स बना रहे हैं। यहां एक सन बना दिए, चलो इसको स्पाइरल कर देते हैं सन को। तो इस तरह से लाइन्स के थ्रू हम आर्ट को स्टार्ट करते हैं। फॉर ये ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये फॉर्म हुए, और यही
सॉरी, ये शेप हुआ, ये शेप हो, ये फॉर्म हो गया, फॉर्म में कन्वर्ट हो, शेप जो है वो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हमारा। तो इस तरह से काम, मतलब इन, अब जैसे सपोज तुम एक बना रहे हो, एक ट्री बना रहे हो, तो हम क्या करते हैं, ये एक सर्कल है, लेकिन हम ट्री को कैसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं। सर्कुलर फॉर्म में है ये, सर्कुलर शेप में है ये, एक हर एक हॉरिजेंटल लाइन इसको यूज किए, इसमें दो पैरेलल हॉरिजेंटल लाइन यूज किए हैं, रेक्टेंगल शेप में है ये, इसमें हम कुछ टेक्चर क्रिएट कर दे रहे हैं, ये टेक्चर, इसको टेक्चर नहीं बोलते हैं, क्रिएट हम बोल रहे हैं, टेक्चर, टेक्चर का अलग से क्लास लेंगे और उसे नेक्स्ट क्लास ही टेक्चर का लेंगे तुम्हारा, और तुम खुद ही क्रिएट करोगे, नया नया टेक्चर क्रिएट करोगे हाथ में जब इंक लगा करके, और उसको हम प्रेस करते हैं, तो ये इम्प्रेशन जो है जब पेपर पे आता है तो वो टेक्चर कहलाता है। तुम जब किसी गीले जमीन पे जब चलते हो और उसके बाद जो पैर का जो इम्प्रेशन आता है वो टेक्चर कहलाता है, वो तुम्हारे सोल, जो शू शोल है उसके नीचे का जो इम्प्रेशन आता है कई बार, तो वो टेक्चर कहलाता है। तो इस तरह से टेक्चर को क्रिएट करना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है जिसे हम नया टेक्चर हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको कंपोजिशन ड्रॉ करना है, एक कंपोजिशन ड्रॉ करना है, कलर भी आप जान गए हैं, रेड कलर, रेड में स्कारलेट रेड, ये स्कारलेट रेड है, ये लेमन येलो है, अल्ट्रा मेरिन ब्लू। ये अल्ट्रा मेरिन ब्लू नहीं है, ये सेरिलियन ब्लू है। हम एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे पेंसिल कलर है, इससे यूज किए हैं उसमें हम, हाँ ये अल्ट्रा मेरिन है, ये अल्ट्रा मेरिन ब्लू है। ब्लू के कई रेंज हैं, तो ये अल्ट्रा मेरिन ब्लू, लेमन येलो और स्कारलेट रेड, अब इन दो को मिला देंगे तो ऑरेंज हो जाएगा, इन दो को मिला देंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से कलर का हमारा बहुत सारा शेड बनते जाता है, बहुत सारा रेंज बढ़ते जाता है। ये तो वो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। अब मटेरियल्स जो हम यूज करते हैं, जो हम जिसके माध्यम से, जिसके हेल्प से हम अपने आर्टवर्क को काम शुरू करते हैं, और ऐसे बहुत सारे मटेरियल, अनलिमिटेड मटेरियल्स कहने का मतलब है कि आर्ट जो है वो एक्सपेरिमेंटल थिंग्स है। आर्ट एक बाउंड्री के अंदर नहीं है, हम किसी भी चीज से हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक मटेरियल है जो हमको स्टडी करने के लिए चाहिए। और जब क्रिएशन की बात आती है, क्रिएट करने की बात आती है,
तो बेसिक जानना बहुत जरूरी है। जब बेसिक जान जाते हैं तो क्रिएशन अपने आप होने लगता है। फर्स्ट जो क्रिएशन अगर मान लो ऐसे हो जाता है, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल नहीं बोलेंगे, एक्सीडेंटल बोलेंगे उसको, तो पेंसिल है, शेडिंग पेंसिल, पेंसिल सब तुम जानते हो, पेंसिल से लाइट शेड से जो काम करते हैं उसको शेडिंग पेंसिल बोलते हैं, पेंसिल वर्क बोलते हैं, पेन वर्क है, उसी तरह से पेन वर्क्स का काम करते हैं तो वो पेन वर्क हो जाता है। वाटर कलर है, वाटर कलर एक ट्रांसपेरेंट कलर से, ट्रांसपेरेंट कलर है वो वाटर कलर, उस कलर में वाइट मिला के हम काम नहीं करते हैं। इसी तरह एक्रेलिक कलर है, एक सिंथेटिक एक्रेलिक कलर जो थिक कलर है वो सॉलिड, उसका मीडियम वाटर है, पर वो वाटर कलर नहीं है, वो ओपेक कलर है, पोस्टर कलर ओपेक कलर है, क्योंकि वो वाटर की तरह ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं है, वो थिक कलर है। फैब्रिक कलर, एक्रेलिक कलर भी उसको बोलते हैं क्योंकि वो थिक कलर है वो। पेस्टल कलर, वो ऑयल पेस्टल कलर, क्रेयोन कलर, ऐसे बहुत सारे कलर्स हैं। वॉयल कलर, जो वॉयल उसका मीडियम है, ड्राई पेस्टल, तो ऐसे बहुत सारे तो मटेरियल्स हैं जिनको यूज करके हम आर्ट वर्क को प्रेजेंट करते हैं। ये क्लास बहुत मतलब प्रैक्टिकल क्लास नहीं था, थ्योरिकल क्लास था ये, और ये बेसिक्स था, इसीलिए इसमें हमने बहुत ज़्यादा काम इसमें नहीं बताया है करने के लिए। आपको करना क्या है, आपको एक लाइन के थ्रू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन के थ्रू पेन से आपको एक 8x8 या 10x10 के एक बॉक्स में, बेटर होगा कि 8x8 का एक बॉक्स लो, हाँ, स्क्वायर बॉक्स में, 8 इंच बाई 8 इंच का स्क्वायर बॉक्स में एक डिज़ाइन डेवलप करो, और वो डिज़ाइन सिर्फ लाइन से होना चाहिए, ब्लैक लाइन से, मतलब ब्लैक पेन से। पहले पेंसिल से डिफरेंट लाइंस को यूज करके उसको तुम काम कर सकते हो। एक आर्टवर्क मेरे पास है यहाँ पे, एक मिनट, अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने मैंने एक बनाया है, बर्ड का ड्राइंग किया था, और ज्योमेट्रिकल शेप में ये बर्ड का ड्राइंग है, तुम देख रहे होगे, इसमें डिफरेंट लाइंस को यूज करके इसको डेवलप किया है। तो ऐसा ही आप, सिर्फ ऐसा नहीं कि अब हम बर्ड दिखाए तो सब आप बर्ड बनाइए, आप कुछ भी बना सकते हैं, एक लैंडस्केप बना सकते हैं, फिगर का काम कर सकते हैं, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना, बहुत ऑब्जेक्ट्स नहीं होना चाहिए। आई होप आप सब इंजॉय किए होंगे मेरे क्लास को, और उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इस पे काम कीजिएगा, जरूर मेरी बात को आप ध्यान से सुने हैं, जरूर आप इस पे काम कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।